दोस्तों, मैं मोहम्मद काजिमुद्दीन आज दोबारा फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। और आज की टॉपिक है व्हाई टू इन्वेस्ट इन प्लॉट्स इन शादनगर हैदराबाद, यानी कि शादनगर में प्लॉट्स क्यों खरीदें और शादनगर के सराउंडिंग्स में क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करूँगा। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ, मैं ये बता दूँ कि मैं एक CEO और ओनर हूँ काजिमेंट को रियल इस्टेट कंपनी का, और मेरी कंपनी जो है माँ सब टैंक आफिया प्लाजा पर है। और मैं एक बिजनेस पार्टनर हूँ, चैनल पार्टनर हूँ रीमैक्स टाइटेनियम रियलिटी का। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं व्हाई टू इन्वेस्ट इन प्लॉट्स इन शादनगर। शादनगर में प्लॉट्स में क्यों इन्वेस्ट करें, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स है, वहाँ पर इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। जैसा कि आप जानते हैं, शादनगर एक बहुत अच्छे लोकेशन पर है, गुड लोकेशन पर है, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला जो हाईवे है वो जो है शादनगर को टच होते हुए जाता है। और इसमें जो है चार चीज़ें बताऊंगा मैं, फोर थिंग्स क्यों इन्वेस्ट करना है शादनगर में। पहली चीज़ जो है इसकी कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी कि अगर शादनगर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आप तो क्या कैपिटल अप्रिसिएशन रहेगा। सेकेंड थिंग इसकी कनेक्टिविटी, रीजनल रिंग रोड के एतबार से और आउटर रिंग रोड के एतबार से, और साउथ हैदराबाद में क्या कनेक्टिविटी, इसके बारे में बात करूँगा। फिर इसके बाद जो है अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स एंड अप्रूव्ड लेआउट्स जो जो भी है उसके बारे में बात करूँगा। फिर अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बात करूँगा, ये चार चीज़ों पे बात करूँगा मैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जैसे कि मैं बता रहा था, शादनगर बहुत ही एक अच्छा लोकेशन है, ये एक एमर्जिंग सिटी है और इसको साउथ हैदराबाद भी बोलते हैं, क्योंकि ये हैदराबाद के साउथ हिस्से में आता है, इसलिए साउथ हैदराबाद बोलते हैं। और ये शादनगर को बहुत सारा गवर्नमेंट का सपोर्ट है और यहाँ पर कई सारी कंपनीज जो है अपना अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए यहाँ पे। और इसके नेबरहुड में कई रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, कमर्शियल डेवलपमेंट्स है और आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने से बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। पहली चीज़ कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूँ, रेजिडेंशियल प्लॉट्स ये लोकेलिटी में शादनगर में 35% का जो है इजाफा हुआ पिछले दो साल से, यानी कि 2019 से। मेरा पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है और वेरियस प्रॉपर्टी पोर्टल्स, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी पोर्टल्स है वो प्रॉपर्टी पोर्टल्स का फिगर्स को अगर जब देखें आप, तो ऑलमोस्ट 35% यहाँ पे हाइक हुआ है। और इसके अतराफ में इंडस्ट्रियल हब्स है, जैसा कि बालानगर एक है, पुत्तूर है, कुंदुर्ग है, ये पूरे क्या है रेजिडेंशियल डेस्टिनेशन ऑफ फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर का रेजिडेंशियल एरिया बनने वाला है, यहाँ पे कई सारी कंपनीज आ रहे हैं। तो ये लिहाज से ये जो है ना कैपिटल अप्रिसिएशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा। ख़ासतौर पे अगर 3 से 4 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा, कैपिटल गेंस मिलेगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5 to 7.5% तक मिलेगा। और रही बात कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी एक रीजनल रिंग रोड जो है ना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली ये जो है अनाउंस हुई है, ये रीजनल रिंग रोड जो है आउटर रिंग रोड के बाद में 30 से 40 किलोमीटर की दूरी के बाद ये रिंग रोड आ रही है, रीजनल रिंग रोड। और ये रिंग रोड जो है शादनगर को कनेक्ट होते हुए जा रही है, तो ये भी एक वजह है। और कनेक्टिविटी के ऊपर, रीजनल रिंग रोड के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो निकाला हूँ, आइए देखते हैं वो, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये रीजनल रिंग रोड है, जैसा कि मैं बताया ये 340 किलोमीटर की लंबाई से जो है ना ये हैदराबाद के अतराफ आउटर रिंग रोड के, आउटर रिंग रोड से 30 किलोमीटर और या 40 किलोमीटर की दूरी पे ये अतराफ से, हैदराबाद के अतराफ से जो है ना रीजनल रिंग रोड रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन हुई, जिसकी लागत है 17,000 crores अप्रॉक्सीमेट। तो ये जो रीजनल रिंग रोड जो है ना ये एक गेम चेंजर है तेलंगाना के लिए। और ख़ास तौर पे ये रीजनल रिंग रोड जो है ना 24 टाउन्स एंड 200 विलेजेस को टच हो रही है, और हर टाउन से आपको जो है हैदराबाद के लिए स्पाइक्स है रीजनल रिंग रोड से ORR को मिलते हुए हैदराबाद टच हो रही है। तो ये रीजनल रिंग रोड जो है ना ये पूरा एक ज़बरदस्त गेम चेंजर है तेलंगाना के लिए। और यहाँ पे ये रीजनल रिंग रोड आने की वजह से काफ़ी सारा डेवलपमेंट होने वाला है
और जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं खास तौर पर प्लॉट्स के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कैपिटल गेंस बहुत होंगे, आरओआई भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। दोस्तों इससे पहले के आगे बढ़ो मैं ये बता दूँ कि ये जो हैदराबाद की सेंटर में जो है ये हैदराबाद है और आपको ये ऊपर का हिस्सा जो है ना ये नार्दर्न पार्ट है ये वाला, और इधर जो है सदर्न पार्ट है। तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं शाद नगर जो कि हैदराबाद से साउथ साइड में आता है, सदर्न हैदराबाद भी बोलते हैं इसको, इधर साइड पे आपको शाद नगर आएगा, ठीक है। तो ये रीजनल रिंग रोड है और इसमें क्या कैसा कनेक्टिविटी कैसा है मैं एक बार कनेक्टिविटी बता देता हूँ मैं आपको। कनेक्टिविटी जो है ना इसमें 182 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है ना ग्रीनफील्ड रिंग रोड बोलते हैं, ये सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट कनेक्ट करता खास तौर पे कहाँ से शुरू होता है ये बताओ, चौटुप्पल, याचारम, कंदुकूर, ये चौटुप्पल, यहाँ से याचारम, कंदुकूर, शादनगर, चेवेल्ला, ऐसा होते हुए कंदी संगारेडी तक टच होता है। ये सदर्न रीजन है, ये 182 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है और एक स्ट्रेच बन रहा है इसको ग्रीनफील्ड रिंग रोड भी बोलते हैं। और ये ऊपर का जो नार्दर्न पार्ट है ये जो है 158 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, ये कहाँ से गजवेल से तूपरान गजवेल से कनेक्ट होते हुए संगारेडी, तूपरान, गजवेल, प्रज्ञापुर, जगदेवपुर, भोनगिर से होते हुए चौटुप्पल तक ये कनेक्ट होगा। ये 158 किलोमीटर्स का है नार्दर्न स्ट्रेच है और सदर्न स्ट्रेच जो है ना 182 किलोमीटर्स का है। टोटल मिला के आपको तकरीबन 340 किलोमीटर का स्ट्रेच है रीजनल रिंग रोड का। ये रीजनल रिंग रोड की वजह से तकरीबन 24 टाउन्स और 200 विलेजेस में जो है डेवलपमेंट्स आने वाले हैं इसमें। और ख़ास तौर पे शादनगर जो है ना शादनगर में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है ये एरिया में, ठीक है। और जो नेशनल हाईवे 44 जो हैदराबाद से जो जा रही कश्मीर से कन्याकुमारी तक कनेक्ट हो रही, ये नेशनल हाईवे 44 जो है ना सब में बड़ी हाईवे है और ये जो है शादनगर को क्रॉस शादनगर को टच होते हुए जाती है। और ये रीजनल रिंग रोड के जो भी स्पाइक्स हैं ना रीजनल रिंग रोड को तकरीबन आपको वो 1, 2, 3, 4, 5 नेशनल हाईवेज मिलेंगे आपको। नेशनल हाईवे 65 पुणे टू मछलीपट्टनम का मिलेगा, नेशनल हाईवे 161 संगारेडी नांदेड़ अकोला का मिलेगा, फिर नेशनल हाईवे 765 डी हैदराबाद टू मेदक मिलेगा, जो नेशनल हाईवे 44 जो अभी मैं जिक्र किया कश्मीर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ये जो है शादनगर टच होते हुए जाएगी। और एक आता है स्टेट हाईवे हैदराबाद टू रामागुंडम, जो नेशनल हाईवे 163 जो बोलते हैं ना हैदराबाद टू भोपालापट्टनम जाएगा। तो ये है पूरा रीजनल रिंग रोड का नक्शा और इसकी वजह से बहुत सारा डेवलपमेंट आने वाला है हैदराबाद में। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों जैसा कि जानते हो कैपिटल अप्रिसिएशन के बारे में मैंने अभी अभी बताया। कैपिटल अप्रिसिएशन कब होता है, जैसा कि जहाँ भी आप प्लॉट खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, पहली चीज़ तो डेवलपमेंट देखेंगे, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट आ रहा है, वहाँ पे कौन सी कंपनीज आ रहे हैं, वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वही वजह उसी के बेसिस पे आपको जो है कैपिटल गेंस मिलेंगे। सो फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूँगा आपको वहाँ पर सराउंडिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, कौन से कंपनीज एग्जिस्टिंग है और कौन से कंपनीज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यानी कि जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं शादनगर में। तो पहली चीज़ मैं जो है वहाँ पे जो सराउंडिंग प्रोजेक्ट्स है जो भी कंपनीज है ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताऊँगा। पहली चीज़ वहाँ पे नैटको है और दूसरी चीज़ वहाँ पे जो है एलवी प्रसाद आई रिसर्च सेंटर है वहाँ पे और अमेज़न कंपनी आने वाली है वहाँ पर, अमेज़न का डेटा सेंटर खुलने वाला है वहाँ पर, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन है, एशियन पेंट्स है, DLF प्रोजेक्ट्स है, MSN लैब्स है, हल्दीराम इंडस्ट्री है और आपको मर्चस्टोन कंपनी है, सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, और आपको NRSA टाउनशिप है। NRSA जैसा कि जानते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये बहुत बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी में बिल गेट्स भी, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के कई लीडर्स जैसा कि बिल गेट्स वगैरह भी यहाँ पर आ चुके हैं हैदराबाद में, हैदराबाद के शादनगर में।
तो बालनगर वहाँ से बिल्कुल करीब होता है। बालनगर भी जो है वहाँ का इंडस्ट्रियल एसईजेड इंडस्ट्रियल पार्क है, 1800 एकर्स पे आ रहा है वहाँ पे, वो बिल्कुल करीब है शारनगर के। और राजापुर में जो है फार्मेसी एसईजेड भी जो ऐलान किया गया वहाँ पर है ऑलरेडी। और आपको पोलेपल्ली एसईजेड जो राजापुर से करीब है, पोलेपल्ली में भी एसईजेड है और राजापुर में फार्मेसी का एसईजेड है। और वर्ल्ड का बिगेस्ट फार्मासिटी जो है वहाँ से स्टार्ट होते हुए आपको ये महेश्वर मामंगल के तरफ तक जाता है। तो ये जो है ऑलरेडी इस सराउंडिंग प्रोजेक्ट से जो शादनगर के, इसकी वजह से शादनगर में काफ़ी अच्छा आपको कैपिटल गेंस मिल रहा है, मिलेगा भी आपको। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको जैसा कि मैं बताया 5-7% मिलेगा आपको। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं यहाँ पर, आपको टाटा सोशल साइंस यूनिवर्सिटी है और जोलॉजिकल पार्क जो है 850 एकर्स पे, जो हैदराबाद का जो पुराना जू पार्क है वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। और कई सारे टाउनशिप्स आ रहे हैं वहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री भी वहाँ पर कई सारे छोटे यूनिट्स खुलने वाले हैं वहाँ पर, वुमेन क्रिकेट अकेडमी आ रहा है, सैटेलाइट टाउनशिप है वहाँ पे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और फार्मासिटी का हब बनेगा शादनगर, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। तो हर वो लिहाज से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी करीब है और नेशनल हाईवे 44 को टच करता है ये, और रीजनल रिंग रोड भी जो है उसको क्रॉस करते हुए जा रही है। तो ये सारे चीज़ें यही बता रही है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखते हुए और जो सराउंडिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स है इसकी बुनियाद पर यहाँ पर काफ़ी अच्छा, अगर आप 3-4 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा कैपिटल गेंस रहेगा आपको। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है साउथ हैदराबाद में, जो आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शादनगर में। और रही बात अफोर्डेबिलिटी की, यहाँ पर जो है आपको कई सारे वेंचर्स मिल जाएंगे, जैसा कि फार्मलैंड्स मिलेंगे आपको, ग्राम पंचायत लेवल मिलेगा, DTCP मिलेगा और जो है आपको HMDA के भी जो है वेंचर्स मिलेंगे। अब ये अप्रूव्ड अथॉरिटी के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो निकालूंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन जो भी प्लॉट लेते हैं, मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि आप DTCP या तो फिर HMDA अप्रूव्ड प्लॉट्स ही लें, क्योंकि अगर ग्राम पंचायत प्लॉट्स लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और काफ़ी सारा उसका लीगैलिटी चेक करके लेना पड़ता है। तो बहरहाल वो एक सेपरेट टॉपिक है, मैं उसको अलग से बात करूंगा उसके बारे में। अभी रही बात अफोर्डेबिलिटी की, यहाँ पर क्या है, आप अगर कम से कम अगर 8,000 रुपये गज के हिसाब से भी अगर एवरेज प्राइस लगा लें तो 8 लाख से लेके आपको 20 लाख तक आपको आराम से एक 100 गज से लेके 200 गज का प्लॉट आराम से मिल जाएगा, 8 लाख से 20 लाख के रेंज में। यहाँ पर कई सारे कंपनीज आए और कई सारे कंपनीज के जो है अलग अलग वेंचर्स में देखा हूँ DTCP के, एवरेज प्राइसिंग जो है 8-9 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड चल रहा है यहाँ पर शादनगर पे। और थोड़े GP लेआउट्स भी है जो कि 4,000-5,000 पर स्क्वायर यार्ड भी चल रहा है, वो भी ठीक ही है। लेकिन GP लेआउट का जैसा मैं बताया, उसको काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और उसको जो है जब तक के आप अगर एक्सपर्ट नहीं है उसमें तो आप GPU लेआउट ना ख़रीदें। और मेरा रिकमेंडेशन यही कि DTCP या नहीं तो फिर HMDA लेआउट ले उसमें, ताकि आपको जो है उसमें बैंक लोन भी मिलेगा और जो है थरोली चेक होगा। और अगर DTCP या HMDA लेआउट लेते हैं तो आज के डेट के बाद से आप रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स खरीदें, ताकि वो बहुत अच्छा रहता, आपको उसमें कैपिटल गेंस ज़्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि लीगलिटी वाइज आपको हर वो चीज़ तेलंगाना स्टेट रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी वाले वो लोग देख लेते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैं बता दिया, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स आपको 100 गज से लेके 2000 गज तक भी मिल जाते हैं शादनगर में, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे कंपनीज जो है अच्छे अच्छे वेंचर्स डाले हैं वहाँ पे, और उसमें साइजेस 100 स्क्वायर यार्ड से लेके 150 स्क्वायर यार्ड से लेके आपको 2000 स्क्वायर यार्ड तक ये अवेलेबिलिटी डिफरेंट साइजेस की मिल जाएगी शादनगर में। अब रही बात अफोर्डेबिलिटी की, अफोर्डेबिलिटी मैंने बता दिया, एवरेज प्राइसिंग 12-20 लाख अगर आपके पास है तो आप 100-200 गज का प्लॉट आराम से वहाँ पर ले सकते हैं और बढ़ के भी मिल जाएगा। तो ये रही अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स। अब मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। और रही बात शादनगर जो है, हैदराबाद से तकरीबन
50 से 60 किलोमीटर दूर पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन से लोकेशन में रहते हैं आप। अगर मेहदीपट्टनम से काउंट करेंगे तो आपको 55 to 58 किलोमीटर पड़ेगा श्रीनगर, और रीजनल आउटर रिंग रोड से आपको 30 से 40 किलोमीटर पड़ेगा, और यहाँ पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जो है आपको काफ़ी नज़दीक है, अप्रोच है आपको श्रीनगर से, और आपको MMTS है श्रीनगर पे, रेलवे स्टेशन है, आप बेंगलुरु के लिए भी निकल सकते हैं, वहाँ से हैदराबाद भी आ सकते हैं, और आपको MMTS भी है हैदराबाद से। तो कनेक्टिविटी वाइज आपको रेलवे स्टेशन है, आपको एयरपोर्ट नज़दीक है, आपको रीजनल रिंग रोड है, और आपको आउटर रिंग रोड भी नज़दीक है, और ये साउथ हैदराबाद बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो यही एक वजह है दोस्तों कि अभी काफ़ी सारा हैदराबाद के सराउंडिंग्स में अगर आप देखेंगे, चाहे आप नॉर्थ ले लो, वेस्ट ले लो, ईस्ट ले लो या साउथ ले लो, साउथ में अगर कोई मोस्ट हैपनिंग प्लेस अगर है वो है श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।